गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सेट पब्लिक स्कूल। हम लोग क्लास 8 में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। देखिए यहाँ पर मैंने यूनिट दिखा दी, कॉन्फिडेंस मत होइएगा, वो चैप्टर ही होता है। चैप्टर नंबर 12 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो छोड़ा था, वो आज का हम लोगों को स्टार्ट करना है। क्या क्या था आपका, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 4 3-7 डिवाइडेड बाय 3-10 3-5। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि क्यों ना मैं वैल्यूज को सॉल्यूशन दीजिएगा, क्या करेंगे माइनस साइन से हम लोग पलट दें, बिल्कुल हम लोग पलट देंगे। तो किस तरह से 1/3/7 डिवाइडेड बाय 1/3/10, क्योंकि हम लोगों ने इसको पलट दिया तो जो माइनस साइन है वो हट चुका है, इंटू 1/3/5। ये आपको वैल्यू मिल रही है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हमारी जो वैल्यू होती है आपको पता है, डिवाइड हटा देते हटा देते हैं हम लोग, तो क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई साइन लगा देते हैं। तो वही कैसे हम लोग 3/7 को ऐसे ही रखेंगे और डिवाइड हटा रहे हैं तो मल्टीप्लाई लगेगा, लेकिन जो इधर की वैल्यू होती है वो पलट जाती है। याद है आपको, जब भी हम लोग डिवाइड को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई लगता है और जो वैल्यू होती है वो पलट जाती है। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगाया और ये वैल्यू पलट गई, तो 3/10 3 की पावर 10 अपॉन में 1 मिल रहा है, इंटू क्या 1/3/5 आया समझ में। तो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पर ऊपर की जो वैल्यू है वो ले लेंगे, तो किस तरह से वैल्यू लेंगे, ऊपर ऊपर की वैल्यू को ऊपर ऊपर में कितना मल्टीप्लाई लगाया 1/3/5 हम लोगों ने अगेन किया, तो क्या हो जाएगा, सेम बेस पावर ऐड कर दी हम लोगों को, तो क्यों ना हम लोग इसको नीचे ले ले फिर से। तो जब इसको फिर से नीचे लिया तो यहाँ ऊपर बचा 1/3/7 इंटू 3/-10, क्योंकि ऊपर की वैल्यू पलट कर नीचे आई है तो उसने अपना साइन भी चेंज किया है, इंटू 3/5 आया समझ में। अब हम लोग क्या करते थे, सेम बेस पावर ऐड करते थे, तो कर लेते हैं 1/3/7 +-10 वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है +5। ठीक है, अब करिए माइनस करिए पावर को, क्या हो जाएगा -2 +5 मतलब 1/3/3 आएगा आपका आंसर। तो कितना आ जाएगा, 3 को कितनी बार लिखना है आपको, 3 को 3 बार लिखना है, तो 3×9 और फिर 1/27 आपका आंसर आएगा, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/27। एक बार और आप देख लीजिए आपकी वैल्यू जो है क्या आ रही है। अब आप चाहें तो इसको पलट भी सकते हैं, ठीक है, पलटेंगे तो क्या आएगा, सिंगल 27 आएगा सिर्फ, क्योंकि हम लोगों ने इसको पलट दिया है। क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप क्या दिया है, सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर फिर पावर जो है माइनस में है, तो माइनस पावर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपॉन में करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3, क्योंकि माइनस में हमको हटाना था, मल्टीप्लाई लगाया, क्या करेंगे 1/3/7 इसकी पावर प्लस का 3 हो जाएगी, क्योंकि
आगे के हम लोग अभी देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। फाइंड द वैल्यू सर्विस ऑफ माइन करनी है, ठीक है। इसी का ही क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को देखना है। 3 की पावर 0 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 दिया। आपको याद आ रहा होगा 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप सॉल्यूशन में, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जब भी हमारी x की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 प्लस, इस समय पर 2, 4 माइनस 1 समय पर 2 की, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ये, इंटू 2 की पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है, सेम बेसिस को नीचे पर लोग 1 एलसीएम कर ले, तो क्या हो जाएगा इसका फिर एलसीएम 4, 4 बन जा 4 और 1 बन जा 1, इंटू 2 की पावर 2 से हमारा चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/4 इंटू 2 की पावर 2, मतलब 2 को कितनी बार आपको ओपन करना है, 2 टाइम्स आपको ओपन करना है, तो 2 से 4 होता है। इस 4 से ये तो हमने कैंसिल कर दिया है, आया ना समझ में। तो क्या आएगा आपका आंसर 5, ये आपका सॉल्यूशन होगा जो 5 दिया है आपको, क्लियर हुआ। इसी में ही अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा कैरफुली सॉल्व कीजिएगा। सॉल्यूशन मतलब कि एक चीज तो क्लियर हो रही है, जो माइनस वन इनको पलट कर उनको नीचे करना है, ठीक है। तो 1/2 क्लियर है, इंटू 1/4 हो जाएगा ये, है ना। अब क्या करें हम लोग, डिवाइड करके कैसे लिख देते हैं, 1/2 क्यों, क्योंकि मैंने इसको भी पलट कर नीचे कर दिया, तो माइनस की पावर 2 थी तो प्लस में चेंज हो गई। अब क्या करना होगा, एलसीएम ले लिया ऊपर ऊपर की वैल्यू का, नीचे की वैल्यू का, डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2 तो चल ही रहा था, क्लियर है। अब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई में भी चेंज कर सकते हैं, तो वही कर लेते हैं हम लोग। क्या करें यहाँ पर इसको डिवाइड को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू होगी वो पलट जाती है। तो क्या आ जाएगा आपका 1/8, डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू पलट गई तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 में ओपन कर दूं क्या 4 कर देती हूँ, क्योंकि 2 × 2 कितना होता है 4 होता है, इसीलिए मैंने 2 को कितनी बार ओपन किया 2 टाइम्स, क्योंकि पावर 2 थी, 3 टाइम्स करती तो वहां पावर 3 होती, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सिंगल 4 हो जाएगा। कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल, अगर आप 4 के टेबल से 1 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 1/2 आपका आंसर होगा, क्लियर है। क्या होगा आपका आंसर, 1/2। देख लीजिए किस तरह से सॉल्व किया है, क्या किया मैंने, डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई लगा, मल्टीप्लाई लगता है तो वही पलटती है साइड की, तो वही हुआ है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आज के लिए इतना ही, इसको रीड कीजिए, रिवीजन कीजिए। ओके, थैंक।